जुगाड़ में हो? बताओ काम क्या? काम काम हाँ बता देंगे, क्या करोगे बताओ? तो क्या करें, काम जो होता है बैलदारी का कंपनी में उनका काम। अब तुम यहाँ बैठ के कितने कितने कमा लेते हो बैठ के यहाँ पे? 200 रुपये को हो जाए। 200 रुपये का हो जाता है भीख मांग के? आप कह रहे हो कि दो हाथ पैर पैर वालों को मिलता है काम, हम तुम तुम्हारे पैर तो सही है, फिर पैरों में थोड़ी कोई दिक्कत है, फिर जो दिक्कत है हाथ में। इसका मेडिकल बना हुआ है? मेडिकल बना हुआ है इसका? नहीं, वो देखो किराया नहीं पड़ता है, किराया नहीं पड़ता है ना मेडिकल, जो हाथ जो कट बना हुआ है निकैप हो आप। अच्छा अच्छा मैं तो अच्छा, यूपी में कहाँ से बता रहे थे आप? हदोई। यहाँ कई साल से हो यहाँ पे? मैं यहाँ पे मुझे 10 साल हो गया यहाँ पे आते। अच्छा 10 साल हो गए। पहले तो काम करते थे ना। आपकी फैमिली कहाँ पे है, परिवार कहाँ पे आपका? घर पर। वो क्या करता है? खेती बाड़ी करते हैं, बकरी वकरी चलाते थे। तो आपने यहाँ भीख मांगने का कैसे सोचा? भीख मांगने का कैसे सोचा मतलब? तो क्या करूँगा, घर पे ना खेत में काम कर सकता हूँ भैया। मुझे देख रहे हो मैं कितना हैंडीकैप हूँ, आपसे ज़्यादा हूँ ना, फिर भी मैं मेहनत करता हूँ। आपके हाथ में ही कमी है, आप तो फिर भी बहुत कुछ कर सकते हो। नहीं होता साल मुझे यार धीरे धीरे आते हो गया, तो समय पर मैं हाथ करा था, पहले मशीन चलाते थे। अच्छा दादा बोला आपको ये अब तू ये सब धंधा बन गया। अच्छा अपना तू भाई बात अपना ₹200 दे रहे हैं मतलब काम, मेहनत मिलेगी तो करोगे? मेहनत मिलेगी तो करोगे? मिलेगा जब तो आदमी ढंग का मिले, इधर थोड़ा काम होता है, कोई लगवा दे बहन तो काम भी करवाता है, पैसे बना मिल पाए ना। पैसे तो मिलते हैं जब काम करोगे दिल से, जब आप मेहनत करोगे तो पैसे क्यों नहीं मिलेंगे? ढंग का आदमी तो मिले यार। आपको पता है भीख दो तरीका से मिलती है पता है? अभी आपको सोचेंगे हाथ पैर बंदा सही है, शराब पीता होगा पैसे मांग के, तो आप कैसे करोगे फिर? कोई ना दे एक रुपया भी, फिर देने वाले देते हैं, नहीं देने वाले नहीं देते। यहाँ दिल्ली में कहाँ रहते हो? समयपुर। ठीक है भैया।